प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है बिहार के करोड़ों करोड़ लोगों को अटूट विश्वास, क्योंकि साथियों बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। तभी तो बीते 10 सालों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए अभूतपूर्व निवेश हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले बिहार को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है और आज फिर प्रधानमंत्री जी बिहार को देने जा रहे हैं 12,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उपहार। रेलवे की परियोजनाओं में शामिल है बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास। इसके अंतर्गत किया जाएगा स्टेशन का सौंदर्यीकरण और आधुनिक यात्री सुविधाओं का विकास। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलखंड के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का शिलान्यास। इससे बिहार के पश्चिमी चंपारण एवं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज जिलों के बीच मजबूत रेल कनेक्टिविटी स्थापित होगी। गेज परिवर्तित नरकटियागंज गौनाहा रेलखंड का उद्घाटन। इससे पश्चिमी चंपारण की नेपाल सीमा से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और बेतिया फ्लाईओवर के बेतिया लौरिया हिस्से का उद्घाटन। बापूधाम मोतिहारी पिपराहा रेलखंड के दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण। इससे मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी स्थापित। और नरकटियागंज गौनाहा रेल सेवा एवं रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इससे क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को फायदा होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं पेट्रोलियम सेक्टर के इंडियन ऑयल पाइपलाइन टर्मिनल मोतिहारी एवं इंडियन ऑयल मोतिहारी एलपीजी प्लांट का राष्ट्र को समर्पण। इससे बिहार के गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण एवं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया जिलों के 28 लाख उपभोक्ताओं तक एलपीजी की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही प्रति वर्ष लॉजिस्टिक की लागत में 51 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी एवं कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी। वहीं मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन के उद्घाटन से मोतिहारी और नेपाल तक एलपीजी की आपूर्ति होगी सुनिश्चित। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और देवरिया में शहरी गैस वितरण परियोजना के शिलान्यास से इन जिलों के निवासियों तक स्वच्छ और हरित ईंधन की आपूर्ति होगी सुनिश्चित। एवं HBL की सुगौली और लौरिया में अनाज आधारित इथेनॉल परियोजनाओं के शिलान्यास से इथेनॉल उत्पादन को गति मिलेगी। साथ ही स्थानीय किसानों की आर्थिक प्रगति का मार्ग भी होगा प्रशस्त। बिहार राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत बने 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित पीपरा कोठी मोतिहारी रक्सौल खंड एवं 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ शिवहर सीतामढ़ी खंड के उद्घाटन से मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं नेपाल के बीच सुदृढ़ होगी रोड कनेक्टिविटी एवं व्यापारिक गतिविधियों में होगी बढ़ोतरी। पटना बेतिया कॉरिडोर के अंतर्गत 4 लेन बरकरपुर हाट मानिकपुर खंड के और पटना में गंगा नदी पर दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर पश्चिम में 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड केबल ब्रिज की आधारशिला रखी जा रही है। बिहार में रोड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने वाली इन परियोजनाओं से लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में विकास की यह रफ्तार बतलाती है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, ये वादा नहीं है, ये संकल्प है, ये मिशन है।